जिन यूज़र के पास शाओमी के डिवाइस है उन यूज़र को काफ़ी ईजी हो जाता है उनके डिवाइस को कस्टमाइज़ करना, काफ़ी अच्छे तरीके से नए नए थीम्स वगैरह ट्राई करना, ये काफ़ी आसान है शाओमी के डिवाइस के यूज़र्स के लिए। क्योंकि थीम स्टोर पर काफ़ी ऐसे थीम्स है जो कि आपके डिवाइस को काफ़ी हद तक चेंज कर देते हैं शाओमी के डिवाइसेस को। मगर गाइस बाकी जो डिवाइसेस है रियलमी ओप्पो वगैरह इन डिवाइसेस को इतने अच्छे खासे थीम्स अवेलेबल नहीं है, इतना खासा अच्छा कस्टमाइजेशन हम उन डिवाइस पर नहीं कर सकते। सो है गाइस कैसे और क्या हालचाल है और उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छा और बढ़िया होगा। तो दोस्तों सिंपली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपके किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को एक iOS की तरह लुक ला सकते हो, iOS की तरह उसको कस्टमाइज कर सकते हो। सिंपली यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम गाइस एक लॉन्चर यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्चर iOS 14। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली लॉन्चर को ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लॉक स्क्रीन और कंट्रोल सेंटर, उसके बाद में है असिस्ट का ऑप्शन। सिंपली लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करते हो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको लॉक स्क्रीन के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ऐप को डाउनलोड करते हो ऐप को ओपन कर लीजिए, ऐप कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, परमिशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए और सिंपली उस ऐप को आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके सामने जो कि है कंट्रोल सेंटर का। सिंपली कंट्रोल सेंटर पर क्लिक कीजिए, कुछ एड्स वगैरह पॉपअप होगी आपके सामने, एड्स को आपको सिंपली कट कर देना है। जैसे आप ऐड कट कर देते हो आपके सामने सीधा गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को ओपन कीजिए, डाउनलोड होने के बाद परमिशंस एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो इनेबल कर लेना है जैसे कि मैंने इनेबल किया है इस ऐप को, बाद में आपको सिंपली बैक प्रेस कर देना है। और जैसे आप बैक प्रेस करते हो बाद में आपको असिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर से आप एक बार गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आपको असिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, परमिशंस वगैरह मांगेगा ऐप, परमिशंस एक्सेप्ट कर लीजिए एंड ऑब्वियसली आपका असिस्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा जो असिस्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऐप आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे आपके डिवाइस में और साथ ही साथ गाइस हमें कंट्रोल सेंटर पे देखने को मिल जाएगा। तो कंट्रोल सेंटर को किस तरीके से एक्सेस करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आपके राइट साइड के एज पर एक छोटा सा बार देखने को मिल जाएगा, सिंपली अगर आप उसको स्लाइड करते हो तो आपका कंट्रोल सेंटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर नहीं ओपन होता तो सिंपली आपको वहाँ पे परमिशंस अलो करने का ऑप्शन आ जाएगा, ओवरले का, उसको आपको अलो करना है। उसके बाद में आपका कंट्रोल सेंटर काफ़ी परफेक्टली वर्क कर ले। लॉक स्क्रीन की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके की लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी इस कस्टमाइजेशन के साथ। तो गाइज इस तरीके से आप आपके डिवाइस को iOS की तरह एक लुक ला सकते हो, उसको iOS की तरह कस्टमाइज कर सकते हो। आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद काफ़ी हद तक आपके जो एंड्रॉयड डिवाइस है iOS की तरह देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।